एक तरफ तो बंगाल चुनाव की गहमा गहमी है, तो दूसरी तरफ देश के 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सियासी रस्साकशी चल रही है। राजस्थान की 3 सीटों पर उपचुनाव है, तो वहीं इसके अलावा कर्नाटक की 2 विधानसभा, जबकि मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड और ओडिशा की 1-1 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। और इसी के साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की 1-1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। वहीं सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच यहां कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। राजस्थान के सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर उपचुनाव है। इन 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी का कब्जा था। राजसमंद सीट बीजेपी विधायक किरण महेश्वरी के निधन से खाली हुई, जबकि सहाड़ा सीट से कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी और सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के चलते उपचुनाव हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में 17 अप्रैल को अल्मोड़ा जिले की सल्ट सीट पर हो रहे उपचुनाव काफी अहम है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र जीना के निधन के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी ने उन्हीं के भाई महेश जीना को मैदान में उतारा है। बीजेपी सहानुभूति के सहारे इस सीट पर जीत की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से गंगा पंचोली को एक बार फिर उतारा है, उससे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। ऐसे में हाल ही में मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के लिए उपचुनाव के नतीजे काफी अहम हैं। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस के विधायक रहे राहुल सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने इस सीट पर राहुल सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने दमोह जिला कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन पर दाव लगाया है। ये सीट जीतने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड के मधुपुर सीट पर जेएमएम और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच टक्कर है। जेएमएम विधायक और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद सीट खाली हुई, जिसके चलते उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक मंत्री बनाकर अपनी कैबिनेट में शामिल कर रखा है, जिसके लिए उन्हें मधुपुर सीट से जीत दर्ज कराना एक चुनौती है। जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन के खिलाफ बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गुजरात के मोरवा हदफ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भूपेंद्र खाट को 2017 विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। साल 2019 में गुजरात विधानसभा स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने खांट को अयोग्य करार दिया था। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने निमेश पेंसुधार, जबकि कांग्रेस ने सुरेश कटारा को मैदान में उतारा है। ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के पंडरपुर, कर्नाटक की बसव कल्याण और मस्की, मिजोरम के सेरछिप, नागालैंड की नोकसेन, ओडिशा की पीपली और तेलंगाना के नागार्जुन सागर सीट पर उपचुनाव है। इसके साथ ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 1-1 सीट पर सियासी घमासान है। ऐसे में देखना है कि इन सीटों पर कौन बाजी मारता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।